गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल हैंडलर्स एक ही प्रॉमिस से किस तरह से अटैच किए जा सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास एक प्रॉमिस है और उसके बाद आप लोग चाहोगे कि वो जब भी फुलफिल हो जाए तब एक कोड रन हो, और आप चाहोगे कि उसी के साथ साथ एक और कोड रन हो, तब ऐसा आप लोग किस तरह से कर पाओगे। चल देगा वीडियो स्क्रीन में और देखेंगे ये चीज़ कैसे की जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गैस हमने पिछले वीडियो में प्रॉमिस चेनिंग के बारे में देखा था, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक से ज़्यादा हैंडलर अटैच कर सकते हैं अपनी प्रॉमिसेस में। तो एक से ज़्यादा हैंडलर अटैच करने का क्या मतलब है? मान लो मेरे पास एक प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस सिंपली क्या करती है, मैं यहाँ पर लेट पी वन इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस करूँगा और रिजॉल्व रिजेक्ट करूँगा, और इसके बाद इसको कुछ इस तरह से मान लो मैं इसमें लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ही, या फिर एक काम करता हूँ यार इसके अंदर सेट टाइम आउट डाल देता हूँ, सेट टाइम आउट, और इसके बाद कुछ इस तरह से मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया इसको। अब मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ रिजॉल्व वन, मान लो मैं वन वैल्यू को इसे रिजॉल्व करना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं इसको चाहता हूँ कि भाई 2 सेकंड के बाद चले, और मैं अलर्ट भी करना चाहता हूँ हे आई एम रिजॉल्व्ड। ये हमारी एक प्रॉमिस हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पी वन डॉट देन, और मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस प्रॉमिस इज नाउ रिजॉल्व्ड, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ इसको हे आई एम नॉट रिजॉल्व कर देता हूँ जस्ट टू शो कि ये रिजॉल्व नहीं हुई है अभी, और इसको मैं नई टैब में खोलूँगा। अरे ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? मैं ओके ऊपर एक्चुअली अलर्ट चल रहा था इसलिए क्लिक नहीं हो रहा था। हे आई एम नॉट रिजॉल्व, यहाँ पर ये अलर्ट आया, और इसके बाद 2 सेकंड के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस प्रॉमिस इज नाउ रिजॉल्व। अब मान लो कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस प्रॉमिस इज नाउ रिजॉल्व के साथ साथ कुछ और भी करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे कर दूँ, मैं P2 इज इक्वल टू मैं लिखूँ यहाँ पर P2 और डॉट सॉरी P1 डॉट देन, और मैं चाहता हूँ कि ये करने के साथ साथ मैं यहाँ पर और भी कुछ करूँ, और वो और भी कुछ क्या होगा, वो और भी कुछ हो सकता है एक नेटवर्क रिक्वेस्ट मारना, किसी एक फंक्शन को रन करना। मान लो मैं अलर्ट हुर्रे भी करना चाहता हूँ, तो मैं मल्टीपल हैंडलर्स अपनी प्रॉमिस से अटैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक तो कंसोल डॉट लॉग को अटैच किया है और उसी के साथ साथ हुर्रे को अटैच किया है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। तो क्या दोनों चलेंगे और दोनों में से पहले कौन चलेगा, आओ देख लेते हैं। तो देखो यार दोनों एक साथ चलेंगे, जो भी मैंने ऊपर रखा हुआ है वो पहले चलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको भी कंसोल डॉट लॉग ही कर देता हूँ हुर्रे को भी, और मैं आप लोग को ये रिलोड करके दिखाऊँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि हे आई एम नॉट रिजॉल्व, फिर 2 सेकंड के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन दिस प्रॉमिस इज नाउ रिजॉल्व और हुर्रे, ठीक है। और मैं यार अलर्ट को ना हटा ही देता हूँ, अलर्ट थोड़ा सा अनॉइंग हो जा रहा है। अब अगर मैं P1 डॉट देन ये चीज़ पहले लगा दूँ ऊपर, तो क्या होगा, ये हैंडलर मैंने पहले अटैच किया है तो ये हुर्रे मुझे पहले दिखाई पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन दिस प्रॉमिस इज नॉट रिजॉल्व। इसी तरह से मैं मल्टीपल हैंडलर्स अटैच कर सकता हूँ। इसको प्रॉमिस चेनिंग से कन्फ्यूज आप मत करना, इन दोनों में डिफरेंस को समझना। प्रॉमिस चेनिंग कहती है कि भाई आप एक हैंडलर अटैच करो, यानी कि एक डॉट देन हैंडलर अटैच करो, उसका जो भी रिजल्ट आएगा जब ये पूरा रन हो जाएगा, जब ये रिटर्न हो जाएगा, तब आप दोबारा से ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है उसको जो है उसका इंतज़ार करो, और उसकी जो वैल्यू है उसको आप दोबारा से यूज़ करके कुछ करो, फिर उसके बाद जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को यूज़ करके आप दोबारा से कुछ और करो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये प्रॉमिस चेनिंग होती थी कि भाई यहाँ पर अगर आपने मान लो मैंने यहाँ पर अगर रिटर्न करी होती एक न्यू प्रॉमिस, और इसके बाद मान लो मैंने कुछ इस तरह से सॉरी रिजॉल्व रिजेक्ट, और मैं मान लो करता सेट टाइम आउट, और इसके बाद सेट टाइम आउट के अंदर मैं मान लो एक फंक्शन ही लगा देता कुछ इस तरह से, और मैं कहता रिटर्न 4, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं कर रहा हूँ, और मैं 6 सेकंड के बाद 4 रिटर्न करता, और उसके बाद मैं डॉट देन वैल्यू
और कंसोल डॉट लॉग वैल्यू कर देता तो क्या होता। तो अगर मैं अब इसको रिलोड करूँगा तो सबसे पहले हुर्रे और कॉन्ग्रेचुलेशन दिस प्रॉमिस इज़ नॉट रिजॉल्व आ गया। इसके बाद जब ये हमारी 6 सेकंड के बाद रन हो जाएगी उसके बाद मुझे वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी। मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी इसका, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग वैल्यू क्यों नहीं हुआ, 6 सेकंड के बाद होना चाहिए था। मैंने रिटर्न 4 किया हुआ है, सॉरी मुझे रिजॉल्व 4 करना है, नॉट ना कि रिटर्न 4, मुझे रिजॉल्व 4 करना है। ठीक है, मैं रिजॉल्व 4 करूँगा तो क्या होगा कि ये जो प्रॉमिस है ये 4 से रिजॉल्व होगी। मैं इसको रिलोड करूँगा, हुर्रे लिख कर आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रॉमिस इज नॉट रिजॉल्व लिख कर आएगा, फिर 6 सेकंड के बाद मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगी। देखा आपने, 4 प्रिंट हो गया। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले इसका इंतज़ार किया जाएगा पूरा, इसका निबटने का, फिर इसके बाद ये रन होगा। अब अगर मैं यहाँ पर न्यू प्रॉमिस रिटर्न ना करके एक वैल्यू रिटर्न कर देता तो वो वैल्यू ऐसे के ऐसे ही एक रिजॉल्व प्रॉमिस के तौर पे आ जाती, लेकिन रिजॉल्व प्रॉमिस के तौर पे आती वो वैल्यू। ठीक है, अब अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है आप लोग को तो मैंने सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर कोई वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न करी जाती है डॉट देन के द्वारा और उसके बाद एक और डॉट देन लगा हुआ है तो पुरानी वाली जो वैल्यू है वो एज अ प्रॉमिस, एज अ रिजॉल्व प्रॉमिस आप लोग को देखने को मिलती है। द आइडिया इज़ टू पास द रिजल्ट थ्रू the chain of dot then handlers। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीपल हैंडलर्स अटैच करने की बात कर रहे हैं तो वी कैन अटैच मल्टीपल हैंडलर्स टू वन प्रॉमिस, दे डोंट पास द रिजल्ट टू ईच अदर, इंस्टेड दे प्रोसेस इट इंडिपेंडेंटली। अगर आप इंडिपेंडेंटली अलग अलग कोड को रन करना चाहते हो पी के फुलफिल होने के बाद या फिर मैं प्रिसाइजली बोलूँगा पी के रिजॉल्व होने के बाद, क्योंकि रिजॉल्व होगा तब डॉट देन रन होगा वरना डॉट कैच रन हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट देन आपको वैल्यू मिलेगी जब ये रिजॉल्व हो जाएगा पी, और उसके बाद आप हैंडलर वन जो कि एक फंक्शन है वो रन कर सकते हो, हैंडलर टू जो कि एक फंक्शन है वो रन कर सकते हो, हैंडलर थ्री एक तीसरा फंक्शन है वो रन कर सकते हो, और ये तीनों प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली रन होंगी, इनका एक दूसरे से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए। तो इस तरह से मल्टीपल हैंडलर्स अटैच किए जा सकते हैं, और मल्टीपल हैंडलर्स का अटैच करना प्रॉमिस चेनिंग से अलग है। क्यों अलग है, प्रॉमिस चेनिंग क्या कहती है, प्रॉमिस चेनिंग कहती है कि भाई आप एक के बाद एक डॉट देन करते जाओ, और पुरानी वाली जब वैल्यू आपकी फुलफिल हो जाएगी प्रॉमिस, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू अगले डॉट देन को मिलेगी, फिर उसकी वैल्यू अगले डॉट देन को मिलेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप कि ये यार क्लियर हो गया अब, और आप लोग को बिल्कुल भी अब दिक्कत इसमें नहीं हो रही है। अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।